हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दीपाश किचन तड़का में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे चावल के आटे और आलू से। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करें, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए हम गैस पर चढ़ाएंगे पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल। तेल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। वैसे ही हमें डालना है लहसुन, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे रेड चिल्ली फ्लेक्स। तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके हिसाब से कम या ज्यादा रेड चिल्ली फ्लेक्स ले सकते हैं। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हमें 10 से 12 ही सेकेंड हम इसे भूनेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 कप इसमें पानी। पानी में हम उबाल आने देंगे। जैसे पानी में उबाल आएगी वैसे हमें इसमें डालना है चावल का आटा। तो 1 कप के करीब हम चावल का आटा इसमें डाल देंगे और यहाँ पर आप क्या करें, गैस को ऑफ कर दें और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो चावल के आटे को हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक बाउल लेंगे और बाउल में हमें चावल का आटा डाल देना है। और थोड़ा हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे, ज्यादा नहीं, बस हल्का ठंडा होने देते हैं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे ग्रेट किया हुआ 2 मीडियम साइज के आलू। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और थोड़ी सी धनिया के पत्ते डाल देते हैं। और इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। तो हमें यहाँ पर मसाले वगैरह यूज नहीं करना है और ये रेसिपी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसे जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत क्रंची सी और बहुत ही टेस्टी बनती है। चाय के साथ इसे सर्व करिए, बहुत अच्छी लगती है। चावल का आटा आलू अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अब हाथों से ही लंबे शेप में ऐसे ही सभी हमें बना लेना है। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के पहले से ही गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए। और तेल हमारा अच्छे से अब गर्म हो चुका है, तो अब हमें एक एक करके इसमें डाल देना है। और यहाँ पर आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और दोनों साइड से हमें उलट पलट के अच्छे से पकाना है। तो सभी हम ऐसे ही पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल और आलू के स्नैक्स कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से ये सॉफ्ट और बाहर से क्रंची कितने स्वादिष्ट बने हुए हैं। तो बस इसे चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए, सभी को बहुत पसंद आएगी।